अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको जुमे के दिन का वजीफ़ा बताऊंगी। जी हाँ नाज़रीन, ये जुमे के दिन का वजीफ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा उन लड़कियों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं होते या जो किसी न किसी मुश्किलात का शिकार है रिश्ता ना होने की वजह से। और नाज़रीन, ये वजीफ़ा जायज़ मकसद के लिए भी कर सकते हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि एक मुनासिब रिश्ता मिले, इसका हम सफ़र ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसका साथ दे। हर अमल शुरू करने से पहले आप अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर करें। और ये अमल आपने 3 जुमा करना है, सिर्फ जुमा के जुमा, यानी कि पूरे महीने में अगर 4 जुमे हैं तो आपने 3 करने हैं। और नाज़रीन, इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, मुझसे या किसी और से वजीफ़े की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और नाज़रीन, वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले हमें कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप ख़ुद भी दुआ कीजिएगा। अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। जुम्मा के दिन बाद नमाज फ़जर सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 41 बार या काफियू, अल्लाह पाक का इसमें मुबारक है, फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर पढ़कर अपने मतलूबा मकसद के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत ही जल्द आपको मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर हमसे कुछ भी इस सवाल के बारे में पूछना चाह रहे हैं। और हमारे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।